तो फ्रेंड्स पूरा रूम मैंने खाली कर दिया क्योंकि तो फ्रेंड्स बस मैं हो गई हूँ रेडी, मुंह पे बांधूंगी स्कार्फ क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। और अधिराज को भी बस मैं पीछे बिठाऊंगी या इसको स्कार्फ के अंदर ही ले लूंगी, तो ये भी तैयार हो गया। तो चलिए इसको ट्यूशन छोड़ के आते और एक डेढ़ घंटे बाद फिर वापस उसको लेने जाना पड़ेगा। तो चलिए पहले इसको छोड़ के आ जाते ट्यूशन। और ये देखो तैयार खड़ा है यहाँ पे, क्यों दी चले ट्यूशन। तो चलिए मैं निकाल लेती हूँ अपनी गाड़ी, बांध लेते हैं स्कार्फ क्योंकि बाहर है बहुत ज्यादा गर्मी और टैनिंग हो जाएगी यार, और कुछ भी होगा ज्यादा, इसलिए मैं बांध लेती हूँ ये। तो देख लो जैसे ये गाड़ी स्टार्ट कर लेगा, अभी आपसे नहीं होगी। तो फ्रेंड्स मैं अधीराज को छोड़ के आ गई हूँ ट्यूशन और खाना भी मैंने बना लिया है। और खाने में मैंने आज बनाया है इडली सांभर, टाइम हो गया था क्योंकि लंच का, तो फटाफट मैंने बना लिया। बस ये आ जाए क्लिनिक से फिर हम लोग लंच करते हैं। पृथ्वी भी आ जाएगा 3 बजे तक, तो उसको आने में भी है 2 घंटे। तो चलिए अभी थोड़ा बहुत किचन का काम निपटा लेती हूँ बचा हुआ। बारिश भी इतनी नहीं हुई जितनी हमेशा हमारे यहाँ पे होती है और धूप भी इस बार मतलब बारिश से लग रहा चली गई। तो फ्रेंड्स मैं आ गई थी ऊपर छत पे अपने जितने भी घर के ब्लैंकेट्स वगैरह गद्दे वगैरह उन सबको ऊपर धूप लगाने, क्योंकि इतने दिनों से तो बारिश हो रही थी तो अच्छे से धूप नहीं निकल रही थी, धूप छाँव बादल बहुत हो रहे थे। तो आज धूप बहुत अच्छी निकली थी, मैंने सोचा चलो जितने भी गद्दे वगैरह हैं सबको अच्छे से धूप लगा लेती हूँ एक बार, बाद में मैं लगाऊंगी। पर अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने सारे बिस्तर जितने थे ना वो सब ऊपर लेकर आ गई और यहाँ पर सारे ब्लैंकेट्स वगैरह मैं सब डाल रही थी। तो देखिए आप, तो फ्रेंड्स धूप अच्छी खासी निकली हुई है तो मैंने सारे जितने बिस्तर थे ना सबको धूप लगा दिया है। और नीचे वाले सबसे नीचे वाले फ्लोर पे भी एक गद्दा है उसको ऊपर लाना बहुत बड़ा टास्क है। तो अभी ये कहीं गए हैं, उन लोगों के जाना है, अगर ये जिस दिन ये घर पे रहेंगे ना उस दिन उसको भी धूप लगाना है। अभी सारे मैंने जितने भी ब्लैंकेट्स वगैरह थे पिलो थे सबको धूप लगा दिया और एक दो गद्दे और बचे तो मैं सोच रही हूँ उनको भी लेकर आ जाऊँ और उनको भी धूप लगा देती हूँ। तो मतलब धूप अच्छी निकली हुई है, बहुत तेज धूप है आप देखो बाहर, मतलब आंखें भी नहीं खुल रही ऐसी ऐसी वाली धूप है। तो बस चलिए ये काम भी निपटा लेते हैं। और यार बस ये त्यौहार आते हैं ना तो फिर साफ सफाई वगैरह क्लीनिंग वगैरह ये सब चालू रहती है, डीप क्लीनिंग। बस आज मुझे तो लग रहा है मेरा आज से ही ये सब चीजें चालू हो चुकी है। तो फ्रेंड्स पूरा रूम मैंने खाली कर दिया क्योंकि सारे जितने भी तकिए गद्दे ब्लैंकेट्स वगैरह सब मैंने धूप में लगा दिए ऊपर। और भयंकर गर्मी है, मतलब देखो आप पसीना कितना बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है। तो पूरा बेड मैंने खाली कर दिया है, अब मुझे है ना जितने भी कॉर्नर्स है ना वहां पे मुझे थोड़ी सी दवाई डालनी है ताकि चींटियां वगैरह है ना आ जाती है। प्लाई एक्चुअली रहती है, जब ये हमने बनवाया था ना तब भी इसमें लाल चींटियां थी थोड़ी सी, जैसे कि होता है ना। तो मुझे इन सब में दवाई डालनी है, सारे जितने भी बॉक्स है इन सबको मुझे खोलना है, उसके बाद जितना भी इसमें सूटकेस है वो सब मेरे को बाहर निकालना है। मतलब आज का दिन तो मुझे लगता है कि शायद बहुत ज्यादा बिजी होने वाला है। तो चलिए ये काम फटाफट निपटा लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और धूप बहुत अच्छी निकली हुई है। और धूप है ना बहुत अच्छी निकली हुई, बिस्तर वगैरह जो गद्दे वगैरह धूप निकाल लगाने के लिए, मतलब जब अपन बिस्तरों को धूप लगवाते हैं ना दिवाली से पहले साफ सफाई से पहले, तो मैंने अभी मतलब आप मैंने चालू कर दी है क्लीनिंग वगैरह, क्योंकि एक साथ मैं नहीं कर पाऊंगी, घर बहुत बड़ा है और इतना मैं एक साथ तो नहीं कर पाऊंगी। तो हो सकेगा तो मैं किसी किसी की कोई होगी ना बाई वगैरह तो उनको मैं बुला लूंगी एक दिन के लिए पूरा, तो ऊपर ऊपर का डस्टिंग वगैरह जितना भी वो कर देंगे, बाकी काम मैं कर लूंगी। चलिए फटाफट लग जाते काम में क्योंकि बहुत देर हो रही है वैसे ही, और गर्मी से इतना बुरा हाल हो रहा है मेरा कि पंखा पूरी स्पीड में चलाया हुआ है तो भी काम नहीं कर रहा है। तो चलिए thank you.
कर दिया है और अब इसके अंदर से मैं घड़ू निकालूंगी कि बॉक्स के अंदर में बहुत सारी मिट्टी रहती है और कचरा तो बहुत सारा है इसमें। तो चलिए एक काम लोग राउंड निपटा देते, फिर मिलती हूँ आपसे। फ्रेंड्स रूम तो मेरा पूरा साफ हो चुका है, जो भी थोड़े बहुत जाले वगैरह थे वो भी मैंने ले लिए हैं, जो मकड़ियों के लग जाते हैं ना, तो यहाँ से भी मैंने सब क्लीन कर लिया है। अब बारी है इस बेड के अंदर दवाई डालने की, तो दवाई ला के मैंने यहाँ पे रखी हुई है टर्माइट, ताकि अगर कुछ भी चीटी वगैरह कुछ भी वो भी कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो जो कुछ भी हो तो वो निकल जाए। और इस रूम को मैं 2-3 दिन इंगेज रख दूंगी दवाई डाल के, और इसमें अभी कुछ भी सामान मैं नहीं रखूंगी, कुछ भी गद्दे तकिए वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ एज इट इज ऐसे कैसे ही रहेगा ये बेड और खुला रहेगा। इस रूम को भी लॉक कर दूंगी मैं। बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगी अंदर आना, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक है जो टर्माइट है दवाई है वो जो मैं डालूंगी। मेरा ड्रेसिंग रूम और वो इधर ही है, तो मुझे तो आना ही पड़ेगा। तो बस ये दवाई डाल देती हूँ इन सब में मैं। फ्रेंड्स शाम के बज चुके हैं 5 और काम करते करते मुझे कम से कम 3 बज गए थे। फिर मैं नहाई, फिर खाना खाया, फिर थोड़ी देर अभी लेट गई थी और अब उठी हूँ। अब चाय बनाऊंगी और जो मैंने जितने भी बिस्तर वगैरह जो भी रखे थे ऊपर, वो ऊपर से फिर वापस रखने हैं मुझे अंदर ही रख दूंगी टावर में, ताकि कल फिर धूप लगा पाऊँ, ज्यादा ऊपर नीचे मुझे करना नहीं पड़ेगा। दवाई मैंने पलंग में डाल दी थी, तो बस अभी चाय पी के चलते हैं ऊपर, उठाते हैं सारा सामान। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ छत पे और अभी जितने भी बिस्तर सब उठा के और नीचे अंदर टावर के अंदर ही जमा दूंगी, ताकि कल फिर में से मैं धूप लगा दूंगी। इसलिए मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। थोड़े बहुत मैं कपड़े भी लेके आई थी धूप वाले, वो भी लगाए, और ये जितने भी है सब उठाने पड़ेंगे। और अब इतनी आलस आ रही उठाने में, तब तो जो मैंने जोर जोर में कर लिया कि अच्छी सफाई हो जाएगी, पर अब आलस आ रहा है। और इन सबको मैं सोच रही हूँ फिर से है ना अंदर रख दूँ टावर के, तो बस धीरे धीरे करके फटाफट उठाती हूँ। धूप भी जाने वाली है और थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और सूरज बस जाने, और बिल्कुल शाम को अच्छा लगता है इस टाइम पे छत पे। गर्मी भी नहीं है इतनी, पर थोड़ी तो है, और बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि फसल किसानों की सूख रही है बेचारों की, उनकी यार बेचारे किसान मतलब उज्जैन ही बना रहे हमारे यहाँ तो MP में या आसपास जितने भी गांव में ना, उज्जैन ही बनी थी कल भी और शायद आज भी है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। सोयाबीन की खेती को बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो बस आप लोग प्रे करना कि किसानों की फसल अच्छे से वो ग्रो हो जाए, और उनको बारिश की ज़रूरत है तो बारिश भी थोड़े दिन हो जाए जितनी उनके पानी की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स अभी मैं ऊपर आ गई हूँ टावर पे, सबसे ऊंची वाली जो हमारी छत है उस पर, और यहाँ से इतना अच्छा व्यू आता है और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है अभी शाम को, और सूरज भी बस ढलने को है। तो ये देखिए हमारी कॉलोनी पूरी, मतलब शाम को अच्छा लगता है यहाँ पे, और आँखों पे बिल्कुल सूरज आ रहा है।
फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग को हम यही करते हैं, कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और गुड नाइट। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।